नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, लेटेस्ट खबर है रीट शिक्षक भर्ती 2016 अंग्रेजी विषय की जो कट ऑफ थी उसमें कुछ संशोधित कर बदलाव किया गया है। इस वीडियो में अपने देखेंगे कि इसकी जो कट ऑफ है कितनी थी और कितनी रही है। पूरी चर्चा इस वीडियो में अपने करेंगे और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस RS स्टडी ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी करें। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये बड़ी खबर। तो सबसे पहले अपने देख लेते हैं खबर कब की है। ये खबर दैनिक भास्कर की है और ये बीकानेर बुधवार 22 अगस्त 2018 की ये खबर है। अब अपने खबर को विस्तार से पढ़ते हैं, इसमें क्या कहा गया है कि शिक्षक भर्ती 2016 अंग्रेजी की कट ऑफ में बदलाव। बीकानेर से शिक्षक भर्ती 2016 संशोधित लेवल द्वितीय अंग्रेजी की नॉन TSP क्षेत्र की जारी की गई कट ऑफ में बदलाव किया गया है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने सोमवार को नामवार चयन सूची और अंतिम कट ऑफ मार्क्स जारी किए थे, जिसमें तकनीकी खामियों के कारण 11 अभ्यर्थियों को नामों में दोहराव होने से ऐसे 11 अभ्यर्थियों को मेरिट क्रमांक का विलोपन कर नई कट ऑफ जारी की गई है। अंग्रेजी विषय में शेष रही रिक्तियों पर नॉन TSP एरिया से संबंधित 741 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। तो दोस्तों, ये थी कुछ लेटेस्ट अपडेट, यानी शिक्षक भर्ती 2016 अंग्रेजी की कट ऑफ में पहले सोमवार को जारी की गई थी, लेकिन जो 11 अभ्यर्थी है उसमें नामवार के अंदर इनका फिर से विलोपन कर नई कट ऑफ जारी की गई है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।